नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर से शंखनाद रैली और सभा का हुआ आगाज। दशहरा मैदान ठाटीपुर में हुआ विशाल जनसभा का आयोजन। रैली का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने किया। चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रस्तुत है ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी हां, गत दिवस शहर के ठाटीपुर स्थित दशहरा मैदान में आम आदमी पार्टी ग्वालियर के तारतम्य में एक विशाल रैली व जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव हेतु अपनी रणनीति तैयार करना था। इस जनसभा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने किया। दशहरा मैदान में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। यहाँ से जो पीछे तक लोग हैं, जहां पे जो लोग हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा। यहाँ आज मामा का भी कार्यक्रम है। आज के इस बैठक में उपस्थित मेरे साथ चलकर आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मेरे भाई डॉक्टर मुकेश जायसवाल से साथ रख करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये हमारी जीत है। तो पहली चीज मैं चाहूंगा कि आज के आयोजन के लिए, यहाँ की टीम के लिए और आप सब के लिए एक बार जोरदार पहले हाथ उठाकर ताली बजाइए। ये हमारी पहली सफलता है कि हमें काला झंडा दिखाने के लिए लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई, पूरी टीम को बधाई और यहाँ जो लोग बैठे हैं, एक एक साथी को मैं सलाम करता हूँ।